युवती का जबरन अपहरण कर उसे प्रताड़ित करने के बाद उसका बलात्कार करने वाले आरोपी को वाठोड़ा पुलिस की टीम ने वर्धा रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है। पुलिस को देख ही आरोपी युवती को छोड़कर स्टेशन से भाग खड़ा हुआ था, जिसका पीछा कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वाथोड़ा निवासी आरोपी विशाल उर्फ फल्ली पृथ्वीलाल गुप्ता का बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली 20 वर्षीय युवती से पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध था, जिसके चलते युवती आरोपी के साथ 11 मई को बिना अपने घर पर बताए मुंबई चली गई थी, जिसके बाद युवती की मां ने 16 मई को वाथोड़ा थाने में युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। मुंबई में युवती और आरोपी विशाल उर्फ फल्ली जो कि आपराधिक व्यक्ति का है और उसके ऊपर चोरी और डकैती जैसे कई मामले दर्ज है। इन दोनों में ही बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि युवती आरोपी को बिना बताए मुंबई के मुमरा में रहने वाली अपनी किसी दोस्त के घर चली गई, जिसके बाद आरोपी युवती के बिना ही नागपुर लौट आया। बताया जा रहा है कि गत 1 जून को युवती मुंबई से नागपुर अपने घर पहुंची। इस बात की जानकारी लगते ही गुस्साया आरोपी युवती के घर जा पहुंचा और उसके घर से ही उसका अपहरण कर उसे अपने साथ वर्धा ले गया, जहां आरोपी ने युवती को प्रताड़ित कर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इस बात की जानकारी जैसे ही वाथोड़ा पुलिस को लगी तो एक टीम वर्धा के लिए रवाना हुई। जब आरोपी की तलाश करते हुए पुलिस वर्धा पहुंची तो पता चला कि आरोपी युवती को लेकर वर्धा रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो रहा है। स्टेशन पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो उन्हें देख आरोपी युवती को छोड़ वहां से भाग निकला, जिसका कुछ दूर पर पीछा करते ही आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवती और आरोपी को पुलिस नागपुर ले आई है, जिसके बाद युवती की दी गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ अपहरण बलात्कार जैसे अन्य अपराधों की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच चल रही है। 11/5/23 ला आपल्या एरियामध्ये राहणारी एक मुलगी आहे, ती घरी कुणालाने सांगून बाहेर गावी निघून गेली होती। तिच्या आईने 16 तारखेला आपल्या पुलिसला दिलेल्या रिपोर्टवरून आपल्याला मिसिंग क्रमांक 71/23 प्रमाणे मिसिंग नोंदवण्यात आलेली होती आणि त्याचा तपास सुरू होता। 3 तारखेला आम्हाला अशी माहिती पडली की सदर मुलगी तिच्या प्रियकासोबत वर्धा इथे आहे। आपण प्राप्त मोबाईलच्या लोकेशनवर आपण वर्धा इथे गेलो आणि त्या ठिकाणी त्या मुलीचा आपण शोध घेतला रेल्वे स्टेशनवरती, पण त्याचप्रमाणे तो मुलगा तिथून पळून जाण्यात यशस्वी ठरला। आपण मुलीला सुखरूप आणलं व तिच्या आईवडिलांचा अभ्यास दिलं। मुलीने 2-3 दिवस घरी आराम केल्यानंतर तिने काल रोजी पुरुषांना रिपोर्ट दिली की ती 11 तारखेला घरी कुणाला न सांगता तिचा प्रियकर आहे विशाल गुप्ता नावाचा त्याच्यासोबत फिरायला ती मुंबई येथे गेलेली होती आणि 31 तारखेला परत नागपूरला आली। परंतु त्या दरम्यानच तिचा आणि तिच्या प्रियकराशी काही भांडण वाद झालेला होता आणि जर प्रियकराने 31 तारखेला परत तिला नागपूर येथे गाठून तिला जबरदस्तीच्या मोटरसायकलवर बसून वर्धा येथे नेलं आणि तिच्यासोबत दुर्व्यवहार केला। तिच्याशी रिपोर्टवर आपण भांडवी विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि आपण तेव्हा आरोपीचा शोध घेतलेला, आरोपीस अटक केलेली आहे। आज रोजी मान्य न्यायालयात आरोपी आम्ही हजर केलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। हो, आरोपीचा रेकॉर्ड आहे आणि तो कुठले काम करत आहे, मजुरीचे काम करतो तो। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।